हे गाइस, आज हम मेडिसिन केमिस्ट्री का, आपको बता दूं मैं, ये 2018-19 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। तो 2018-19 क्वेश्चन पेपर में मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है, राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कौन सा ड्रग है हमारा? तो हमारा ये जो ड्रग है, इसका नाम है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टोराजोलिन। ये दो ड्रग हैं, इनके बारे में पूरा आपको हम समझाते हैं। इसे काफ़ी सिंपल होता है, आपको हम नोट्स देते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ये हमारा कैसा ड्रग होता है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है हमारा, ठीक है? ये क्या है, जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है, उसको हम ब्लॉक करता है। विच ब्लॉक द मस्करैनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, आपको मैंने बताया था हमारे मस्करैनिक निकोटेनिक होते हैं। तो ये जो ड्रग हमारा है, क्या है, मस्करैनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एंड सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। अब आते हैं इसको सिंथेसिस कैसे बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमको दो स्टेप में बनता है हमारा ये। एक लेना है आपको ट्रोपिन, ठीक है? क्या लेना है, एक आपको एक मोल लेना है ट्रोपिन, और एक हमारा है ट्रॉपिक एसिड। इन दोनों का हमने क्या करा है, फर्दर रिएक्शन करा है हमने। जैसे क्या, तो क्या किया इनका मैंने, इस्टरफिकेशन विद HCl, इसका HCl करा है। तो देखो यहाँ से H और इसका OH दोनों निकलेगा, और H2 हमारा बाहर निकल गया। बस इन दोनों क्या किया मैंने, जो ऐड कर दिया। तो वही जो यहाँ पे देखो मैंने वही किया, दोनों को बस अटैच कर दिया। याद रखिए क्या क्या करना, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? दोनों क्या करना, अटैच करें, यहाँ से एच, यहाँ से एच निकाल दो, तो हमारा क्या हो, क्या बनेगा हमारा, एट्रोपिन। अब क्या किया फिर मैंने, एट्रोपिन यहाँ पे बन गया हमारा। एट्रोपिन के बाद फिर हमारा ये यहाँ पे रिएक्शन हुआ हमारा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से एल्किल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है? तो देखो हमारा ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और ये हमारा एल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हुआ है। जैसे ही होगा हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, ठीक है? क्या हमारा ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, काफ़ी सिंपल है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये इसका हुआ सिंथेसिस, काफ़ी सिंपल सिंथेसिस, बहुत ही सिंपल मैंने इसको निकाला है। तो ये सिंपल तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो। अब हम इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते हैं। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब जो दवा है काम कैसे करती है, तो ये जो ड्रग्स हमारा काम कैसे करता है, तो बस इसका यही पूरा लिख दो, यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है, ठीक है? क्या करता है, मस्करैनिक रिसेप्टर को, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करेगा, ये हमारा ब्लॉक करेगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको पता चल गया। अब इसका हम आपको यूज बताते हैं। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो इट डायलेट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस, जो हमारे होते हैं डायलेट, जो हमारे ब्रोंकाई होती है उसको क्या करता है, डायलेट थोड़ा फैलाने का काम करता है। और जब फैलेगा तो भैया हम अच्छे सांस ले पाएंगे। इज यूज इन द अस्थमा, इसका हम यूज, हम ट्रीटमेंट अस्थमा के ट्रीटमेंट करने में भी इसका हम यूज किया जाता है, ठीक है? अब आपको हम चलते हैं टोलाजोलिन की ओर। अब देखिए टोलाजोलिन के लिए, तो टोलाजोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब इसका हम सिंथेसिस देखते हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो अब क्या करना है, फेनिल एस्टोनाइट्राइल ले लेना है, लिया हमने एक मोल ले लिया, और इसका हमने फर्दर रिएक्शन कराया C2H5OH से HCl प्रोटीन से। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सी और एन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ है, जो ये यहाँ से तोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन अलग, बाकी जो अलग इतना बचा वो अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और बाकी जो अब ये वाला ग्रुप बचा है मैं जाके कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जैसे इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे वही चीज़ अटैच करा दिया है। अब इसका हमने क्या किया, फर्दर रिएक्शन किया, फिर से क्या हमने, किससे, एथाइलिन डायमाइन से हमने रिएक्शन कराया, NH2CH2CH2NH2, ठीक है? हमारा ये क्या है, एथाइलिन डायमाइन से रिएक्शन कराया। और जैसे ही रिएक्शन होता है, दूसरे स्टेप हमारे हमको टोलाजोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा सिंथेसिस होता है टोलाजोलिन का, ठीक है? अब आपको हम इसका यूज बताते हैं। टोलाजोलिन का यूज क्या क्या है, तो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, हमारा ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज बिलोंग टू नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये हमारा क्या है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये अल्फा जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करता है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है कि मतलब ये अल्फा वन अल्फा टू किसी को भी कर सकता है, ठीक है? ये सेलेक्ट नहीं है। इट इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ अल्फा रिसेप्टर, ये हमारा अल्फा रिसेप्टर का क्या है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। तो ये हमारे क्या है, टोलाजोलिन की कुछ यूज है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सिंपल शब्दों में मिल गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।